मेरे सामने एक क्लिप आई है। किसकी आई है? अरमान मलिक की। मेरा ना तुमसे मैं कभी भी मिला, ना मेरी तुमसे कोई बात हुई, ना मुझे तुमसे कोई लेना देना। तो क्या एलविश यादव यार भाई डायरेक्ट करते हैं अरमान मलिक पे एंड भाई क्या उनको धमकी दिए? तो अगर आपको भाई नहीं पता है तो आपको भाई मैं बता दूं, जो कि भाई साई केतन राव एंड साथ में भाई अरमान मलिक है, वो दोनों यार भाई नॉर्मली जिम एरिया में भाई बात कर रहे होते हैं बिग बॉस में। एंड होता क्या कि भाई जो कि यार अरमान मलिक है भाई एलविश यादव को ट्रोल करते हुए कहते हैं, जो कि यार भाई कटारिया है उसके पीछे यार एक भाई का हाथ है एंड भाई उसका हाथ क्या भाई बस उसका लक चला हुआ है। एंड बाकी कहते हैं जो कि हमारे हरियाणा का भाई लहजा है उसका यार भाई वो अपने यार वीडियो में डालता है, मतलब कि भाई बोलता है एंड बाकी उसके अंदर भाई कुछ भी टैलेंट वगैरह नहीं है। एंड अगर आप लोग यार भाई उसके यार व्लॉग देखोगे तो बिना हाथ पैर के हैं एंड भाई बात करते हैं नहीं तो भाई उसके अंदर कुछ यार गायक है भाई कुछ नहीं है, बस यार उसका एक भाई लक चला हुआ है। तो सब पे रिएक्ट करते हैं एलविश यादव, वो क्या कहे देखो। निकल गया होगा तुम्हें पता लगेगा कि बहुत चीजें तुम्हारी खराब हो गई। जेन्युइन बता रहा हूं, मेरा ना तुमसे मैं कभी भी मिला, ना मेरी तुमसे कोई बात हुई, ना मुझे तुमसे कोई लेना देना। रोस्ट तो निकाला वैसे, वो तो यार रोस्ट है रोस्ट है, ऐसे मैं साढ़े खड़े खड़े रोस्ट मार दूं। मैं वो एक चीज बताऊं, ना मुझे कोई इससे लेना देना, ना मुझे फ्यूचर में कोई लेना देना होगा और ना मुझे इससे दोस्ती रखनी। दुश्मनी तो देखो तुम्हारी मर्जी है, ये बात है सिंपल सी। तो जितना इसने मेरा नाम ले दिया इसमें, उसके पीछे का वो कहां है, क्या कहते हैं उसको, पैसा? अरे नहीं, उसके पीछे का वो कहां है, लॉजिक लॉजिक है ये ना, आपका नाम लेगा तो रील कटेंगे। अरे यार ये सुनो मैं बता दूं, उसके पास अपनी ऑडियंस नहीं है, उसको प्यार करने वाले नहीं है, सोच रहा है कि इसका नाम लेता हूं क्या पता कुछ लोग आ जाए। नहीं 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 ऐसा नहीं होता, देखो उसके पास दो वाइफ्स हैं, प्यार करने वाले हैं उसमें भाई बहुत है और नहीं चाहिए। भाई अंदर भी प्यार कर रहा है रात को भाई, किसी की पर्सनल चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें बस अपने आप से लेना देना कि हमारा नाम क्यों घसीटा। अगर हमारा नाम ना घसीटा, हमारे बारे में फालतू ना बोलता, हम ये वाली वीडियो नहीं बनाते, समझ रहे हो ना। अब देखो उसने क्या करा अरमान मलिक का नहीं, पर मैं देखो मेरे को उसकी पास्ट हिस्ट्री से का भी पता है, मुझे सब पता है, पर मैं करता नहीं ये चीज बिलो द बेल्ट। वो पहले भी गाली खाता था, जो पहले ये कंटेंट बनाता था, ये जो बहुत माहिर बन रखा कि हम तो कंटेंट बनाने वाले हैं, दो वाइफ को कंटेंट बोलना इट्स ओके वो उसकी पर्सनल चॉइस है। वो तब भी गाली खाता था, ये आज भी गाली खा रहा है विद फैमिली, बट अब ज्यादा खा रहा है क्योंकि मामले ज्यादा हाईलाइट हो गए, लोग अब पीछे पड़ गए कि भाई दो वाइफ कैसे रखे, लीगल इलीगल स्टफ, ये सारी चीजें हो गई, केसेस की ये केस है वो केस है। भाई का भी अरमान ने बोल रखा कि एल्विस तो 90% लक पे चलता है, ना वो कुछ ये करना आता, ना वो करना आता, ये होता वो होता। जब तू दूसरी शादी करने की कोशिश में था ना उस टाइम पे, तो हम YouTube पे बढ़िया छा चुके थे भाई, मतलब भगवान की दया से प्यार कर रहे थे लोग। जब तू दूसरी तीसरी टोता डोल रहा था ना कि कौन सी पकड़ो कौन सी नहीं पकड़ो, रखे थे कौन सी मालिक से बढ़िया ये चीज मैंने बोली थी अपने लोगों को, ठीक है ना भाई, हमारे मतलब ये बिग बॉस में तो चलो क्या ही सुन रहा होगा, बाहर आके भी मेरा नाम मत लेते भाई अपनी जुबान से, मेरे को बुरा फील होता कि इस जुबान से मेरा नाम आ रहा। ठीक है, अपनी हरकतें ठीक करो, अपना घर बार ठीक करो, अपनी लीगल चीजें ठीक करो, अभी पॉइंट मारते हैं तेरे पे भी तो है, हम भी कर रहे हैं। एंड बाकी सब पे आप सबका भाई क्या रिएक्शन है आप लोग भाई मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आप लोग भाई चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।